मैडम आप मेरे बाथरूम में आ गई। मिस्टर साजन, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। अपने दिल की बात आपके कानों तक पहुंचाने के लिए मैं डेस्परेट हो रही हूँ मिस्टर साजन। कश्मीरा किचन में है तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर ओपनली आपसे बात कर लूँ। मैं भी बहुत इस वक्त ओपन हूँ पूरा। मैं कुछ वो पहन लूँ, कुछ शर्ट वर्ट पहन लूँ मैडम? I don't mind. तो फिर मैं अपना हाले दिल बयां कर दूं? कर दीजिए मैडम, कर दीजिए, क्योंकि अब अगर आप इससे भी ज्यादा देर लगाएंगे ना तो मैं यही चक्कर खा के गिर जाऊंगा फिर। इसका मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेरे अंदर तो इतनी लगी हुई है मैडम कि मैं आजकल ब्रेड का टुकड़ा खाता हूँ ना तो अंदर मुंह के अंदर जाके टोस्ट बन जाता है वो। फनी। बोलिए ना, प्लीज बोल दीजिए। Well, Mrs. Sajan, आगे पूरा बोल दीजिए, खत्म करिए। I love you, Mrs. Sajan. Same pinch, madam. I love you too. Good to know. अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या इस शावक कर्टन को पार करके मैं उस तरफ आ जाऊं? आ जाओ, आज आज यहाँ पे तो वीजा भी नहीं लगेगा, आ जाओ। और मेरे कवारे बन की कसम से छोड़ दे, छोड़ दे नीचे। क्या हो रहा है ये? मैं पानी की बाल्टी लेने आया था, इसने मैंने जाग जाग कर दिया। क्या जाग जाग कर दिया बे? इतना भी हक नहीं है क्या अपने साले पे मेरा? हाँ बेटा, जो हक के चक्कर में सारी सीमाएं पार कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है ये? अपनी गंदी सोच ना संभाल के बात कर। भूपेश देखो क्या बकवास कर रही है, यही रिश्ता रह गया हमारा है? रिश्ता तो है पर यह नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, पलट पटना बातों से। कौन पलट रहा है? कौन पलट रहा है? क्या बातें फालतू की कर रहा है आप? कैसी देखो कैसी उलझलू लुटपटांग बातें कर रहा है बेतुकी की। लेके जाओ इसको यहाँ से, इसका दिमाग खराब हो गया है सुबह। तू चल, तो अभी तू चल। हेलो मैडम। या मिसेस साजन, आप ऑफिस के लिए निकल गए हैं ना? ऑफिस आ रहे हैं ना आप आज? वो मुझे बात करनी थी तो सोचा मैं मिलके ही बात करूं। जी अब हाँ, मैं वैसे आपको अगर मुझे कुछ कहना है तो आप फोन पे कह दीजिए ना।